हेलो गाइस। तो गाइस, आज हम जो इस वीडियो में हैं, आपका जो कवर करेंगे इस कोर्स मॉड्यूल में, तो हम बात करने वाले हैं एडवर्ड वर्सेस एडसेंस। और एडसेंस होता क्या है, इसको हम पूरा डिटेल में कवर करेंगे कि एडसेंस का मतलब क्या होता है। आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि एडसेंस से बहुत पैसे कमा रहा हूँ, या मैं एडसेंस की एड्स लगा के बहुत अच्छा खासा अर्न कर रहा हूँ। आपने ऑनलाइन भी बहुत सारी वीडियोज़ देखी होंगी। तो पूरा इसका आज हम डिटेल में समझेंगे कि एडसेंस होता क्या है, और एडवर्ड और एडसेंस में डिफरेंस क्या होता है। कई लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि एडवर्ड क्या है और उससे पैसे कैसे अर्न होते हैं, या किस में आपको लगाने होते हैं, या किस में आप पैसे जो अर्न करते हैं या फिर उसमें लगाते हैं पैसे। ठीक है, तो उसको पूरा डिटेल में समझेंगे कि एडवर्ड क्या होता है और एडसेंस आपका कैसे काम करता है। तो वैसे सबसे पहले बात करते हैं हम एडवर्ड की, कि गूगल एडवर्ड है क्या। ठीक है, तो कभी भी आपने देखा होगा, जब भी आप जैसे गूगल पे सर्च करते हो कोई भी जैसे प्रोडक्ट है, या किसी भी कंपनी प्रोडक्ट सर्विस के रिगार्डिंग आप कभी भी सर्च करते हो, जैसे मिंत्रा सर्च किया मैंने यहाँ पे, तो इस टॉप पे आपको ये जो सर्च रिजल्ट है वो दिख रहा होगा। मिंत्रा मिंत्रा जो डिलीवरिंग अगेन, जो भी आपको ये टाइटल और इसके नीचे ये दिख रहा है, तो ये जो है आपका एडवर्ड के थ्रू प्लेस होता है। ठीक है, इसके अलग से हमने ऑलरेडी इस पर वीडियो मॉड्यूल बना रखा है, आप वो उसमें भी चेक कर सकते हैं डिटेल में। वैसे इसमें आपका बेसिक ओवरव्यू एक बार कवर कर लेते हैं, ताकि आपका जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाए कि एडसेंस और एडवर्ड में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो आप ये टॉप सर्च में आप रिजल्ट देख रहे होंगे जो कि आपको डिस्प्ले हो रहा है। बाकी जो नीचे हैं ये सारे आपके ऑर्गेनिक रिजल्ट है। नीचे जो ऊपर आपका जो ऐड के थ्रू शो होता है, आपने कुछ भी क्वेरी सर्च करी और आपको जो है ऐड के ऊपर जहाँ पे टॉप पे शो होता है, यहाँ पे लिखा भी होगा ऐड, तो ये आपका एडवर्ड के थ्रू प्लेस होता है। हम गूगल के अंदर जो है पैसे इस पे लगाते हैं, सीपी मतलब जो सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक, जैसे इस पे यहाँ पे कोई क्लिक करेगा तो हमें चार्ज होगा, ये बिलेबल होगा। ठीक है, तो एडवर्ड का सिंपल मतलब ये कि हम इस पे यहाँ पे जो गूगल को पैसे देंगे वो आपकी जो ऐड है ऊपर यहाँ पे डिस्प्ले करेगा, शो करेगा, जो भी आपके प्रोडक्ट सर्विस के रिगार्डिंग जो भी सर्च क्वेरी यहाँ पे कोई भी कस्टमर कर रहा होगा, तो जैसे ही अगर कोई यहाँ पे क्लिक करेगा तो इसका चार्जेस आपको लगे, तो आपको पे करना होगा। ठीक है गाइस, तो एडवर्ड का सिंपल यही है। अब बात करते हैं कि एडसेंस की, आपने बहुत सुना होगा एडसेंस, लोग बोलते हैं कि बहुत पैसे कमा रहे हैं, बहुत अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं अपने ब्लॉगिंग के थ्रू। तो एडसेंस का क्या फ़ायदा होता है और ब्लॉगिंग में इसको आप कैसे कवर करते हैं वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो एक बार ये नॉर्मल ब्लॉग पे चलते हैं आपका, एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं। ये जो RVSTJ की वेबसाइट आपने भी काफ़ी देखी होगी, सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, इनका फेसबुक पेज भी, एंड बहुत ज़्यादा लाइक लैक्स में इनके लाइक्स हैं। ठीक है, तो जो भी आप इसमें ब्लॉग बनाएंगे, हमने ब्लॉगिंग मॉड्यूल में भी कवर किया आपका पूरा कि ब्लॉग कैसे सेटअप करना है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं साइड में आपको एक ऐड शो हो रही है, और एक बार पहले नीचे भी देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक आप ऐड देख सकते हैं, और इस पे यहाँ पे लिखा भी होगा एड्स बाय गूगल। ठीक है, तो अगर आपने कोई भी अपना ब्लॉग बनाया है, अगर आप उस पर ऐड डिस्प्ले करते हो, आपकी वेबसाइट पे कोई भी जैसे विजिटर आएंगे, कोई भी लोग आएंगे उस पर ऐड पे क्लिक करेंगे, तो इसका पैसा आपको गूगल पे करेगा। ठीक है, तो ब्लॉगिंग से आप जो है अच्छा खासा अर्न कर सकते हो एडसेंस अपनी वेबसाइट पे अप्लाई करके। एडवर्ड में क्या हो रहा है, आप गूगल को पैसे दे रहे हो ताकि जो आपकी जो वेबसाइट है उसको टॉप पे दिखाए, लोग आपके जब कोई भी सर्च क्वेरी कोई भी गूगल पे सर्च करेगा तो उसका चार्ज आपको लगेगा। लेकिन एडसेंस में क्या है, गूगल आपको पैसा पे करेगा आपकी वेबसाइट पे ऐड डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है गाइस, और एक बार इसमें भी देख लेते हैं, जैसे पोस्ट के नीचे आप यहाँ देख सकते हैं ये जो ऐड इन्होंने डिस्प्ले कर रखी है। और एक और मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, जैसे गाइस ये है, तो इस पर आपको कोई गूगल की नहीं दिखेगी, तो इन्होंने जो है डायरेक्ट ऐड डिस्प्ले डायरेक्ट ऐड लगा रखी है। ठीक है, तो ये गूगल की ऐड नहीं है, आप किसी भी कंपनी से या किसी भी उससे एफिलिएट की भी एडिंग यहाँ पे लगा सकते हो, एफिलिएट्स की आपने लगा दी तो उससे कमीशन के थ्रू अपन करोगे, तो इसका गूगल का कोई लेना देना नहीं है इस ऐड से। कोई भी जैसे विजिटर्स यहाँ पे आएंगे आपकी वेबसाइट पे, या तो इस पे जो है इंप्रेशंस होंगे, कोई भी मतलब देखेगा ऐड को, या फिर अगर क्लिक करेगा तो गूगल उसका चार्ज आपको पे करेगा। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस जो था आपको समझ आ गया कि एडवर्ड क्या चीज़ है और एडसेंस क्या चीज़ है। एडवर्ड में आप पैसा गूगल को पे करेंगे अपनी एड डिस्प्ले करने के लिए गूगल पे टॉप पे यहाँ पे, और जैसे एक आधा और इसमें सर्च करके आपको दिखा देता हूँ मैं, बाय मैन वॉच। ठीक है, तो ये भी देख सकते हैं स्पॉन्सर्ड आपको दिखा रहा है, अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट है गूगल शॉपिंग एड्स के थ्रू आपने इसमें गूगल को पे किया है कि हमारी जो एड्स हैं हमें टॉप पे दिखाओ, कोई भी सर्च करता है बाय मैन वॉच को, तो यहाँ पे आपकी जो एड्स हैं प्रोडक्ट की टॉप पे शो कर रहे हैं, तो इसलिए आप गूगल को पैसा दे रहे हैं एड दिखाने के लिए सबसे टॉप पे।
और जो एडसेंस हो गया आपका, जो भी है आपके जो ब्लॉग पे विजिटर्स आएंगे, जो भी पढ़ेंगे, कोई ऐड को देखेगा, कोई ऐड को क्लिक करेगा, तो उससे आपको गूगल पैसा पे करेगा, ठीक है। तो ये आपका एडसेंस और एडवर्ड में डिफरेंस था। तो इसमें आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, जहाँ पे जो भी इसमें एडवर्ड या एडसेंस की बात होगी आपको अच्छे से बताना चाहिए कहाँ क्या अप्लाई होता है, ठीक है। तो आई होप आपको बेसिक डिफरेंस समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप इसको अप्लाई करेंगे अपनी वेबसाइट पे, गूगल एडसेंस के लिए कैसे अप्लाई करना है, कैसे उसमें आप जो बाकी इन्फॉर्मेशन है सारी उसमें एंटर करोगे गूगल पे, ठीक है। तो मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो में।